हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से आकर देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो हम करने वाले हैं मैकेनिकल के गेट 2021 के सेशन 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्होंने बोला कि 5 पर्संस पी क्यू आर एस एंड टी आर टू बी सीटेड इन ए रो All facing the same direction, but not necessarily in the same order. P and T cannot be seated at either end of the row. ठीक है, end पे नहीं बैठेंगे. P should not be seated adjacent to S. R is to be seated at second position from left end to the row. End of the row. The number of distinct sitting arrangement possible is. तो देखो, 5 seats हैं. P और T एंड पे नहीं बैठेंगे, मतलब P और T यहां पे नहीं बैठेंगे, ना यहां पे, ठीक है, बोला ना इन्होंने। और P S के साथ नहीं बैठेगा, P और S दोनों की दुश्मनी है। R is to be seated at second position from the left, left, चलो राइट ये है, is the left ये है। सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट मतलब आर यहाँ पे, ठीक है, आर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पी टी नहीं बैठेंगे तो पी ओ टी के बैठने की यही लोकेशन हो गई अब, और एस को पी के साथ नहीं बैठना, तो हम दो तीन दो केस बनाते हैं। देखो पहले क्या बैठते हैं, पी यहाँ पे बैठा है, टी यहाँ पे, दूसरा बनेगा पी यहाँ पे टी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। अब कौन बचा, एस और क्यू। अब एस को पी के साथ नहीं बिठाना तो एस यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, और बचा क्यू। अगर एस यहाँ बैठा क्यू यहाँ बैठ जाएगा, एस यहाँ बैठ गया क्यू यहाँ बैठ जाएगा, तो हमारे पास दो तरीके हो गए इस चीज में, इस केस में दो दो वे हो गए बिठाने के। और इसमें क्या होगा, एस तो यहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ पे तो पी आ गया, और यहां बैठ जाएगा क्यों, इसमें एक ही तरीका है। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 1, 3 तरीके हैं बस, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर गेट एग्जामिंग इज स्टैगरिंग, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम माय क्लास आर अपीयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन आर स्टैगरिंग, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम माय क्लास इज अपीयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन। अब देखो जो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ये सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए इज आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ो, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज स्टैगरिंग, ठीक है, तो फर्स्ट सही है, थ्री गलत है, ठीक है, द नंबर है इसके साथ आर नहीं आएगा। सेकेंड, जो ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है ये प्लूरल माना जाएगा, तो इसमें आर आता है, ठीक है, तो सेकेंड सही है, फोर्थ गलत हो जाएगा, आंसर है फर्स्ट चेंज, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अपीयरिंग, ऐसे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिजिटल वॉच एक्स बीप्स एवरी 30 सेकंड्स व्हाइल वॉच वाई बीप्स एवरी 32 सेकंड, दे बीप टुगेदर एट 10 AM, है ना, एक कोई एक्स वो 30 सेकंड्स बाद बीप करती है, वाई 32 सेकंड्स बाद, अभी 10 बजे बीप करी है वो दोनों एक साथ, इसके बाद वो कितने टाइम बाद बीप बीप करेंगी, तो उसमें आएगा एलसीएम लेते हैं हम, इसके एलसीएम 30 और 32, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 × 15 × 2, 480 सेकंड्स, 480 सेकंड्स कितने होते हैं, 8 मिनट, तो 10:08 पे नेक्स्ट टाइम एक साथ दोबारा बीप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने सिंबल्स दिए हैं, ठीक है, जैसे प्लस डिवाइडेड बाय, जस्ट वन सेकंड, यस, तो हमें सिंबल दिए हुए हैं, जैसे कि ये सिंबल डिवाइड करते हैं 2 आता है, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से इसमें ये कर लेना चाहिए कि सिंबल की जगह हम ए बी सी लिख लें, एक्स वाई जेड लिख लें, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे मैं इसको ए लिख लेता हूँ, इसको बी, तो देखो ए डिवाइडेड बाय बी
या फिर ए, ये ए ही हो गया, ये बी हो गया, ए ये सी, ये बी है, ये सी है, ये सी और डी है ना, हमें फाइंड क्या करना है, डी माइनस ए, ठीक है, हमें ए और डी चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले आ जाएगा ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू टू, ठीक है, इट मींस क्या है, ए बाय बी इक्वल टू टू, ए इज इक्वल टू टू बी, ठीक है। सेकंड से हमें क्या पता चलता है, ए बाय सी इज इक्वल टू थ्री, ए इज इक्वल टू थ्री सी, ठीक है। थर्ड में क्या है, बी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, और यहां से बी की वैल्यू मैं ए बाय टू पुट करूंगा, सी की वैल्यू ए बाय थ्री इज इक्वल टू फाइव, ये आ जाएगा फाइव ए बाय सिक्स इज इक्वल टू फाइव, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सिक्स, ठीक है, ये चाहिए था हमें, एक वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री, सी की वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, सी इंटू डी इज टेन, सी इंटू डी इज टेन, सी क्या है, टू इंटू डी इज टेन, डी इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। अभी तो सिंपल है बहुत, अभी हमें क्या करना है, डी माइनस ए यानी कि फाइव माइनस सिक्स माइनस वन, डी माइनस ए का स्क्वायर, तो फाइव माइनस सिक्स का माइनस वन का स्क्वायर वन, ठीक है, बस में और कुछ नहीं है, थोड़ा सिंबल है, अगर आप एग्जाम में करोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसलिए अगर ये बना लोगे थोड़ा सा अपने को मेहनत कम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रंट डोर ऑफ मिस्टर एक्स हाउस फेसेस ईस्ट, मिस्टर एक्स लीव द हाउस वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम द बैक डोर दैट इज सिचुएटेड डायरेक्टली ऑपोजिट टू द फ्रंट डोर, ही देन टर्न्स टू हिज राइट वॉक्स फॉर another 50 meter and stops. The direction of the point Mr. X is now located at with respect to the starting point is. तो देखो ये घर है, ठीक है, ये मान लो फ्रंट डोर है, ये बैक डोर है, तो फ्रंट डोर इन्होंने क्या बोला है, कहां पे है, ईस्ट की साइड है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये हो जाएगा फिर साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो अभी क्या हुआ, वो बैक डोर से कितना मीटर निकला बाहर, 50 मीटर, ठीक है, और फिर टर्न टू हिज राइट, राइट टर्न हुआ और फिर 50, ये भी 50, ये भी 50, तो पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स वन एंड टू एंड टू कंक्लूजंस, स्टेटमेंट वन, ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर वेल्थी, ऑल वेल्थीज आर रिस्क टेकर्स, ठीक है, उससे कंक्लूजन बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, देखो यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर वेल्थी, ठीक है, वेल्थी, और फिर ऑल वेल्थी आर रिस्क टेकर्स, ठीक है, तो ये क्या है, एंटरप्रेन्योर्स है, ये वेल्थी है, ये रिस्क टेकर है, ठीक है, तो अभी क्या आ रहा है, ऑल रिस्क टेकर्स आर वेल्थी, गलत, उल्टा नहीं होएगा ना, अगर ऑल वेल्थी आर रिस्क टेकर्स है, रिस्क सीकर्स, तो ऑल रिस्क टेकर्स आर वेल्थी नहीं होंगे, सम होंगे, ठीक है, तो कंक्लूजन वन तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, ओनली सम एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर, नहीं, ऑल आ गया ना, ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर वेल्थी, ऑल वेल्थी आर रिस्क टेकर्स, सो ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर्स, सीकर्स, ठीक है, तो दोनों ही गलत हो गए, ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 15 ब्लू बॉल्स एंड 45 ब्लैक बॉल्स, इफ टू बॉल्स आर सिलेक्टेड रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट बोला, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम इन विच फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लू एंड सेकेंड इज ब्लैक बॉल इज, देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल बॉल कितनी होगी, 60, प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके इक्वल आएगी, पहली बॉल ब्लू आ जाए, इसका मतलब 15 में से 15/60 इनटू, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि हमने ब्लू बॉल निकाल के बाहर रख दी, अलग रख दी, वापस नहीं डाली है ना, तो अब 59 बची है टोटल बॉल,
अब मुझे क्या करना है, सेकंड वो ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक के चांसेस है 45 आउट ऑफ 59, ठीक है। तो 15 चौका 60, 45 डिवाइड बाय 236, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला है, कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल अंदर वाला टू द एरिया ऑफ द सर्कम स्क्राइब सर्कल, मतलब बाहर वाला, ऑफ एन इक्विलेट ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेट ट्रायंगल है, देखो जो इंस्क्राइब सर्कल होता है, ठीक है, उसका सेंटर आता है जब हम ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो बाहर वाली बाहर जो सर्कल है उसका सेंटर आता है जब हम ट्रायंगल की साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, ठीक है। तो और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इस साइड को भी कर रही है, सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटर दोनों का सेम ही आ जाएगा, दोनों सर्कल का। अब अगर बात करें हम, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका एक एंगल होता है 60 डिग्री, तो या क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा, और क्या ये लेंथ, ये वाली आर छोटे सर्कल का रेडियस है, और ये वाली लेंथ जो है क्या ये बड़े रेडियस का, बड़े सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा, साइन 30 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय आर, तो 1/2 इज इक्वल टू आर बाय आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर, या फिर हम लिख देते हैं बड़ा रेडियस इज इक्वल टू 2 छोटा रेडियस, ऐसे, ठीक है। अब इन्होंने रेशियो किसका पूछा है, इंस्क्राइब और सर्कम स्क्राइब, तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर, या फिर हमें जरूरत नहीं है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, हमें चाहिए आर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, ऑप्शन सी। और एक चीज और प्रॉपर्टी होती है कि हमें पता चल जाएगा कि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये 2:1 में जो ये यहाँ पे कट करते हैं, तो ये डबल होता है, अगर ये आर होगा ये 2R होगा, ठीक है, वहां से हमें पता चल जाएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड 1 यूनिट, है ना, स्क्वायर शीट अपने पास साइड 1 यूनिट, द शीट इज फर्स्ट फोल्डेड अलोंग द मेन डायगोनल, हमने मेन डायगोनल के अराउंड शीट क्या कर दी, फोल्ड कर दी, ठीक है, फोल्ड कर दी, तो हमारा कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, यहां तक। फिर दिस इज फॉलोड बाय ए फोल्ड अलोंग इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली होगी, ठीक है, इसके अराउंड हमने फोल्ड कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो फोल्ड करके कैसा बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्री यहां पे आ गई, द रिजल्टिंग फोल्डेड शेप इज अगेन फोल्डेड अलोंग इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, आगे अब लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली होगी, फिर दोबारा हमने इसको फोल्ड किया, फोल्ड किया तो कैसा दिखेगा ये, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके बाद तो नहीं बोला, द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द फोल्डेड फाइनल फोल्डेड शेप इन स्क्वायर यूनिटीज, तो इसका एरिया कितना होगा ना ईच शेप, क्योंकि अभी हमें ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, तो कैसा शेप होगा, एरिया होगा, देखो ये 1 यूनिट है, तो इसका एरिया कितना हो गया 1 यूनिट,
हाफ में होगा तो इसका क्या एरिया हो गया हाफ, इसका और हाफ हो गया 1/4, इसका 1/8, ठीक है। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, ये सिर्फ समझाने के लिए। जब आप फोल्ड की हम बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो एरिया बस हाफ होता जा रहा है, ठीक है। तो तीन बार हमने किया तो 1/8 हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पेंडेमिक इन द पास्ट 100 years, ठीक है। द एयर ट्रेवल इंडस्ट्री इज फेसिंग ए क्राइसिस एज रिजल्टिंग क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेवल्स लेड टू वीक डिमांड। देखो पहले इन्होंने बोला कि वर्ल्ड जो है पिछले 100 सालों से बहुत ही भयानक पेंडेमिक से गुजर रहा है, ठीक है। एयर ट्रेवल इंडस्ट्री इज फेसिंग क्राइसिस, है ना, तो उसमें है, क्राइसिस में है, लॉस में है, एज रिजल्टिंग क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट, बिकॉज क्वारंटाइन की रिक्वायरमेंट है ट्रेवल्स के लिए, कि कोई ट्रेवल करेगा उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जैसे कोविड वगैरह में हुआ था, तो उसकी वजह से डिमांड बहुत वीक हो गई है, ठीक है। इन रिलेशन टू फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस के रिलेशन में सेकेंड सेंटेंस क्या करता है, रीस्टेट द आइडिया फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस, ये गलत है, रीस्टेट नहीं करता ना, सेम चीज नहीं बता रहा है। सेकेंड सेंटेंस एंटायरली कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा, बात तो सही है, अगर बीमारी हुई है उसकी वजह से क्वारंटाइन हो रहा है तो उनको डिमांड कम हो रही है, क्राइसिस लॉस हो रहा है। टू स्टेटमेंट्स आर अनरिलेटेड, ये भी गलत है। डी देखो, स्टेट्स एंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, ये सही है ना, कि पहले सेंटेंस का जो है ये बीमारी उसका इफेक्ट है ना, ये स्टेट्स एंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, इसलिए डी सही है। तो इसी के साथ हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ये मैकेनिकल गेट 2021 सेशन 2 के थे। तो इसके बाद हम और भी काफी एग्जाम पेपर पढ़े हैं 2021 के, सारे कवर करेंगे। तो इसमें भी फिलहाल कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, और वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच।